देखो ध्यान दो बच्चों, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, √3 - iota, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसको मैं लिख सकता हूं √3, -1, ठीक है। एक्स हो गया √3 और वाई क्या हो गया बोलो, -1 हो गया। देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको लोकेट करूं तो एक्स है √3 और वाई है -1। देखो यहां पर कहीं जाके ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा बनेगा, ये डिस्टेंस होगा √3 और देखो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1। इसको इससे मिला दें तो देखो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर OZ, ठीक है। देखो अब हमेशा की तरह अगर मॉडुलस चाहिए तो √x²(3y²)1, देखो √4 = 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अगर हमें इसका आर्गुमेंट निकालना है तो हम देखो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस है और ये है ओजेड वेक्टर, ठीक है, ये ओजेड। तो या तो ये वाला एंगल लेंगे, ये लेंगे तो हम इसे एंटी क्लॉक वाइज लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और ये वाला एंगल लेंगे तो नेगेटिव लेंगे। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हम फिर से टेन थीटा का फार्मूला लगाएं वाई बाई एक्स, तो देखो अब यहां पर टेन थीटा हो गया वाई का मतलब -1 और x का मतलब √3, तो tan थीटा की वैल्यू -1/√3, मतलब देखो tan नेगेटिव आ गया, है ना। अब देखो अगर tan नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब एंगल या तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan नेगेटिव दो जगह होता है। अब देखो यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसीलिए एंगल भी फोर्थ में ही होगा, तो मतलब एंगल हमारा कहां आएगा, फोर्थ में आएगा, एंगल हमारा फोर्थ में आएगा, ध्यान दो। तो अब देखो हमें थीटा चाहिए, देखो क्या करेंगे, पहले हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक एंगल चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव कर दें, मान लो हमने इसको अल्फा माना और पॉजिटिव कर दिया, तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, देखो ये हमारा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल आ गया, है ना। अब एक्चुअली एंगल चाहिए फोर्थ में, तो फोर्थ का एंगल क्या होगा, ये होगा 360 माइनस, इसको अल्फा मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये अल्फा है तो ये बने t - α, ये बने t + α, ये 360 - α, है ना, तो 30 डिग्री, मतलब देखो ये हो गया हमारा 330 डिग्री, है ना। तो इसका मतलब जो हमारा आर्गुमेंट है थीटा, है ना, जिसको हम थीटा कहते हैं, तो आर्गुमेंट हो गया 330 डिग्री। अगर हम एंटी क्लॉक वाइज लें और अगर क्लॉक वाइज लें तो देखो इसी को हम -30 डिग्री भी कह सकते हैं, ध्यान दो, है ना। तो आर्गुमेंट के ये दो आंसर हैं और ये वाला हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ध्यान दो, इसको हम कैपिटल ARG भी कहते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है क्योंकि ये -180 और +180 के बीच में है, इसीलिए, ठीक है। आर्गुमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल पूछेगा तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में गया था, इसलिए हमने जो है वो ध्यान दिया और एंगल भी फोर्थ क्वाड्रेंट का लिया। एंगल निकालने का देखो ये तरीका यहाँ पर हो सकता है, देखो इन चीजों को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमारे भाई, मैं आपको लास्ट में एक और शॉर्टकट तरीका बताऊंगा आर्गुमेंट को निकालने का, जिसमें हम फार्मूले की हेल्प से भी आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं, बताएंगे लास्ट में आपको, अभी ऐसे ही थोड़ा सा डिटेल से इसको समझो पहले, है ना, क्योंकि इसको दिमाग में बैठाना, एंगल क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज ये डायरेक्शन ही बहुत जरूरी चीजें हैं, है ना, बाद में आगे चलती गलतियां हो जाएंगी, इसको लिखो जरा ध्यान से पहले।